बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। लीमू के छिलके के बारे में ऐसे तहलका खेज इनकशाफात जिन्हें सुनकर न सिर्फ आप हैरान होंगे बल्कि आपको मेडिसिन कंपनियों के काले धंधे के बारे में जानकर अफसोस भी होगा कि अदवियात की ये कंपनियां हमें मुतबादिल सस्ती दवाएं और कुदरती इलाज के बारे में आगाही देने के बजाय हमारे दर्द और तकलीफ से बेइंतहा फ़ायदा उठाती आ रही हैं। इन अफराद के लिए इंतहाई अफसोस का इजहार किया जाता है जो केमोथेरेपी या जो भी दवाएं तजवीज़ करते हैं वो या तो इन हकायक को नहीं जानते या फिर उनको बर्दाश्त नहीं कर सकते। गालिबन आप सिर्फ लीमू के रस के बारे में ही जानते होंगे कि इसमें विटामिन सी होता है और ये खानों को खुशगवार जायका बख्शता है, लेकिन हकीकत में लीमू के छिलके में ऐसे बेशुमार इसरार छुपे हुए हैं जिन्हें मेडिसिन माफिया अवामुन्नास के सामने लाने से गुरेज करती आई है ताकि उनका गोरख धंधा चलता रहे। लीमू के छिलके में लीमू के जूस से 5 से 10 गुना ज़्यादा विटामिन होते हैं और यही हम ज़ाया कर देते हैं। लीमू के छिलके हमारे जिस्म में मौजूद जहरीले अज्जा का खात्मा करके सेहत को बहाल करने में अहम किरदार अदा करते हैं। लीमू कैंसर जैसी महलिक और जानलेवा बीमारी से बचने में हमारी मदद करता है। लीमू के हैरत अंगेज़ फ़वाद में कैंसर के खुलियों को मारने की मौजजाती सलाहियत मौजूद है और ये केमोथेरेपी से 10,000 गुना ज़्यादा पुरअसर है और इसमें केमोथेरेपी जैसे खौफनाक साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होते। लेकिन हम इस बारे में इसलिए नहीं जानते क्योंकि इस तरीका इलाज से पर्दापोशी की गई और इसे ड्रग माफिया ने इसे राज में रखा, जिसकी वजह से कितने ही लोगों की मौत हो चुकी है और हो रही है। लीमू का पौधा और फल हर तरह के कैंसर के खिलाफ साबित शुदा इलाज है। इसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन और फंगस के खिलाफ एंटी माइक्रोबियल स्पेक्ट्रम भी समझा जाता है जो अंदरूनी परजीवियों और कीड़ों के खिलाफ मौसर है। ये ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखता है और एक एनेटेड प्रेशर तनाव आसाबी अवारिस का मुकाबला करता है। दुनिया के मैन्युफैक्चरर्स का कहना है कि 1970 से लेकर अब तक 20 से ज़्यादा लेबॉरेटरीज ने टेस्ट के बाद इंकशाफ किया है कि लीमू 12 इकसाम के कैंसर में महलिक खुलियों को ख़त्म करता है जिनमें बड़ी आंत, छाती, प्रोस्टेट, फेफड़े और लुबलुबा वगैरह शामिल हैं। इस दरख्त के मरकबात ने अडरियामाइसिन प्रोडक्ट के मुकाबले में 10,000 गुना ज़्यादा बेहतर असर दिखाया। अडरियामाइसिन आम तौर पर दुनिया में केमोथेरेपेटिक इस्तेमाल करती है जिससे कैंसर के खुलियों की नशोनुमा सुस्त हो जाती है, और इससे भी ज़्यादा हैरत अंगेज बात यह कि इस किस्म की थेरेपी लीमू के निचोड़ के साथ ही कैंसर के मौलिक खुलियों को ख़त्म कर देता है और इससे सेहतमंद खुलियों पर कोई असर नहीं पड़ता। लिहाजा कुदरती तरीका इलाज को अपनाएं और गैरफितरी तरीका इलाज से जितना मुमकिन हो बचने की कोशिश करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये मालूमात आम अवामुन्नास तक पहुंच सके और कैंसर के इस तरीके इलाज से आम आदमी भी मुस्तफीद हो। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी का बटन दबा दें।